सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो डॉक्टर थ्रॉटल। तो थैंक यू सो मच मेरा भाई वीडियो को क्लिक करने के लिए। तो आज हम लोग एक स्पेशल गाड़ी को चलाएंगे, बुलेट, रॉयल एनफील्ड का बुलेट 500 BS4 2018 मॉडल। तो चलो आज ये बाइक का थोड़ा सा आनंद उठाया जाए, बाकी बात हम लोग करेंगे मोटो ब्लॉगिंग में। अभी फिलहाल यहाँ से चलते घर से अपना और आपसे हम डायरेक्ट मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग में। सो ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है BS4 2018 मॉडल रॉयल एनफील्ड 500 और कलर है क्रोम, जो कि बहुत प्रीमियम है देखने में भी। तो पहले यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर आपको शायद अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा, गाड़ी को निकालते हैं और बाद में बाकी बातें करते हैं। और मेन बात भाई, ये गाड़ी का एंगल देखना होगा, मतलब कैमरा का एंगल इस गाड़ी पे कैसे आ रहा है क्या। बाकी अपना गाड़ी तो सेक्सी है यही है। हाँ पहनना है, पहनो, नहीं पहनो। सो हम लोग एक्चुअली ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, मतलब टेक्निकल बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर है और ना ही इतना। ब्रेक चेक कर ले कैसा है तो पता चलेगा। ठीक है वैसे अभी हाल फिलहाल में ही ये गाड़ी का एक्सीडेंट एक बार हो गया है, तो पीछे जो भाई बैठा है उसका छिला गया था, और जो मेरा गाड़ी चला रहा डल्टन उसका भी छिलाया था, दोनों छिल गया था। तरह भी लगा था क्या चोट? कहाँ चलेगा? वही जा जाता है। सो भाई लोग, हम लोग आ गए मेन रोड पे और थोड़ा सा हम लोग मजा लेते हैं। बुलेट 500 का पावर, तो चलो अब थोड़ा बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो भाई ये मॉडल है 2018 BS4 500cc क्रोम कलर के साथ, क्रोम जो कि बहुत ही। चेक कर लेना। हाँ आगे एक बार मामा को चेक कर लेंगे, मामा मतलब पुलिस को हम बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम थ्रोटल देके भागने का ट्राई किए तो भागता तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली यार बुलेट का है वो बात पर वो हमेशा रहेगा ही, तभी बुलेट का वो फील है। हाथ पे जो हैंडल बार पे जो वाइब्रेशन फील हुआ ना भाई, माँ कसम भारी वाला, इसे लग रहा था जैसे कि मेरा वो नहीं हो जाता है, हाथ एकदम सन्नाटा हो जा रहा है कि मतलब हाथ है कि नहीं पता नहीं। यहाँ से हम लोग अंदर सीधे सीधे चलेंगे ताकि आराम से वीडियो बना पाए, और भाई लोग को भी फ़ोटो वोटो खिंचाना है तो ऑब्वियसली हम लोग अंदर चलेंगे इन्फोसिस का अंदर। तो फिलहाल इस गाड़ी का बात करते हैं, तो भाई गाड़ी का ओनर है डल्टन भाई, जो कि हम लोग का पीछे आ रहे हैं। अभी हम आपसे सबको सबसे आप लोग को सबसे मिलाते हैं फिलहाल, तो अंदर चलते हैं। और ये गाड़ी का तो भाई अलग ही मज़ा है, राजा बाबू वाला गाड़ी है सीधी सी बात है। अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो या फिर आप क्रूज़ करना चाहते हो आराम से प्यार से, तो इसका अलग ही मज़ा है भाई। चाहे आप पहाड़ चढ़ना चाहो या पहाड़ से उतरना चाहो, तो इसका अलग ही मज़ा है। एंड देखो स्पोर्ट सेगमेंट जो बाइक है, जैसे मेरा गाड़ी है 3 टन, उसका मज़ा अलग है, इसका मज़ा अलग है। ये भाई क्रूज़ करने के लिए गाड़ी बना है, भगाने के लिए अब भगा सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन उसका और इसमें हमें ऑब्वियसली डिफरेंस आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी गाड़ी का बात करें तो भाई क्या ही बात करें, और इसको जब भी देखते तो लगता है कि भाई पहली बार देख रहा अब तक। वेल तो भाई हाँ यही खुले खुले में सुनना, यही रोक। सो भाई बहुत दिन के बाद अपना जो पुराना अड्डा था फ़ोटो वोटो क्लिक कराने का, वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। जब नया नया हम गाड़ी लिए थे या फिर नहीं भी लिए थे उससे पहले भी हम लोग दोस्तों के साथ यहीं पर आए। तो भाई इसका कलर चेक करो यार, सॉरी लात भी मार दी भाई को, इसका एक बार कलर चेक करो। क्रोम फिनिश मेरे को भी देख पा रहा होगा, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाल बत्ती चल रहा है। और आगे अभिषेक का एक स्पेशल वीडियो भी यहाँ पर हम अटैच कर देंगे क्लिप, बिल्कुल बिल्कुल क्या है नहीं। और चलो आप आज पहली बार आप लोग से मिलाते हैं, ये है दीप, इधर ये है दीप चॉकलेटी बॉय ये है डल्टन, और नहीं मजाक कर रही है मेरा छोटा भाई, अपना छोटा भाई है। और
तो भाई बात कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा यहाँ पर जंक वंक वगैरह लग गया है, क्योंकि ऑब्वियसली 2018 का गाड़ी है, बेस 4 मॉडल है, तो इतना टाइम होने के बाद जब थोड़ा सा मेंटेनेंस कम होता है तो ये सब छोटा मोटा चीज़ है जंक वंक लगना। बाकी गाड़ी का बात करें तो भाई मक्खन मक्खन जैसे चल रहा अब भी इतना साल के बाद। बस एक चीज़ है वो बुलेट, हर बुलेट में होता है ऑब्वियसली इसका वाइब्रेशन। अभी हम बस थोड़ा सा थ्रोटल खोले थे तो भाई ऐसे लगा कि मेरा दोनों हाथ है ही नहीं, हवा में उछल रहा ऐसे लग रहा था, पर ठीक है यार। तो अबे ये क्या है बे इसका पाइप, एयर पाइप है, ये टूट गया क्या बे? ना ना ना, एयर पाइप है। अच्छा इसे खुले रहता है? हाँ ठीक है भाई, अपने को इतना टेक्निकल तो अपना आपको पता नहीं, ना ही हम गाड़ी के बारे में इतना इसके बारे में जानते, उसके बारे में जानता भाई टेक्निकल, इसके बारे में हमको कुछ इतना आइडिया है नहीं। और ऐसे खुला खुला पाइप देखा तो ऑब्वियसली एक बार फट ही जाता है। तो यहाँ पर फोटो वोटो थोड़ा लेते हैं, अगर वीडियो वगैरह रील्स वगैरह बना। हाँ अभी आप मेरे को चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, पहले यूट्यूब पे सब्सक्राइब तो कर दो, बाद में अपने को इंस्टा पे फॉलो करना। और बाकी लाल और यहाँ पर क्रोम अलग ही कॉम्बिनेशन। हाँ ये जो आप देख रहे हो ये अभी अभी लगा, क्योंकि पीछे से भाई कार ठोक दिया, नहीं राइट से ठोका था ना, राइट तरफ से कार आया और पैक से ठोक दिया भाई, ये सब ठोका था। लेकिन कार का खर्चा बहुत बड़ा भाई, कार का 20,000 खर्चा हमारा, 500 का 2,000 खर्चा हुआ। एक स्कूटी को ठोके थे उसमें 500 खर्चा, मैंने हमारा 50 खर्चा हुआ, सामने वाले का 20,000 खर्चा। हाँ तो भाई लोहा से किस लिए बनाया, मेड लाइक ए गन, ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है। तो वही कुछ बात है भाई, बाकी हम लोग ज़्यादा तो वैसे हम लोग बेसिक राइड करेंगे और गाड़ी का मजा लेंगे, इंस्टेड हो कि गाइस इसमें लिक्विड कूल है 445 BHP ये सब हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक पे चलेंगे, हम लोग बाइक का मजा लेंगे और बाइक का मजा हम लोग भरपूर लेंगे। और फिलहाल तो ये करते हैं, फोटो लेते हैं, जो लेना लेते हैं। भाई कसम से स्मार्ट लग रहा लड़का, और इसे आपको पता नहीं था इसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है कुछ टाइम पहले। तो मैं यहाँ का जो रील वीलू बन गया और फोटो वोटो भी क्लिक कर लिया, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो क्या? अरे भैया लिपस्टिक लगाया गया, ओह माय गॉड, चलो चाय 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 यहाँ से निकलते अब। सो वापस हम लोग भाई चलने लगे अपना घर की तरफ, और बात कर रहे कैमरा में बात कर रहे हैं। तो वापस हम ये कह रहे हैं कि वापस अपना अपना जो घर है उधर हम लोग चलने लगे हैं, और कुल मिला के गाड़ी का तो हम मज़ा ले लिया भाई। वैसे हम ये पहली बार नहीं कि हम ये गाड़ी चला रहे हैं, पर ऑन कैमरा ये पहली बार है कि हम ये गाड़ी चला रहे हैं। हमेशा से आप सबको पता है यार, ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि रॉयल इनफील्ड का जो बुलेट हो क्या है क्या नहीं। वाओ इट्स रियली अमेजिंग बाइक, ओ माई गॉड, ऐसी बाइक तो मैंने देखी ही नहीं। हाँ मैं तो डर गई। और इसी बीच भाई लोग हम लोग 110 सब्सक्राइबर प्लस अचीव कर लिए, और इससे ज़्यादा अभी जाना अभी तो कुछ भी नहीं, सब कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी बहुत मेहनत करना। आई नो कि अभी बहुत ज़रा कमी होगा जिसको धीरे धीरे हम फील करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता क्या चाहते टैक से ऐसे चुटकी मारो सब कुछ सही हो गया, चाहे मेरा बोलने का तरीका हो, लहजा हो या कुछ भी, टाइम थोड़ा लगेगा चेंज होने में, और कंटेंट को भी इन्हेंस होने में टाइम तो थोड़ा लगेगा भाई, क्योंकि अपने को इस सब के बारे में कोई आइडिया है नहीं। बाकी क्या, बाकी सब तो बढ़िया है, और बारिश तो हमेशा से है। अच्छा है कि मेरा वो मतलब आर आर में अगर हम लगवा दिए, नहीं तो अभी तक तो जितना दिन हम धुलाए अभी हो गया 4-5 दिन धो के, अब तक तो हो गया रहता तो गाड़ी का अच्छा खासा। और धीरे धीरे बूंदा बूंदी का तेज़ी स्पीड बढ़ रहा है, तो अच्छा ही होगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए, क्योंकि यार भीगने का भी अगर बाहर में रहते भींग लेते तो पूरा भींगो, थोड़ा मोड़ा कंजूसी से भींगने का नहीं है, भींगना तो पूरा भींगना, नहीं तो बिल्कुल नहीं भींगना। बात कर रहे मत कर, हर हर महादेव। अपना भाई आप लोग को भी पता, हम लोग बैचलर्स हैं, सब रह रहे रूम में, दिखाने का चार चीज़ हम और दिखा दे लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि मेरा हिसाब से वही कंटेंट आप अपलोड करो या डालो, मेरे लिए मेरे हिसाब से मैं हम अपने सोच कर रहे कि वही कंटेंट डालेंगे
जो हम आज से 5 साल या 10 साल बाद भी देखें तो रिग्रेट नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो सब रिग्रेट करने वाला चीज़ है, पर ठीक है ना, जब आप पब्लिक फिगर पर आ रहे हो, पब्लिक के सामने अपना जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो सोच समझ के देना चाहिए कुछ भी। और बाकी तो छोटा मोटा चीज़ तो ऑब्वियसली मस्ती मजाक दोस्तों के साथ चलता है, तो वो तो डालना ही बनता है। और बाकी जो स्लैंग हम लोग यूज़ करते तो हम नहीं यूज़ करते, मतलब अगर हम वीडियो बनाने लगे मतलब रूम का अंदर वाला, तो आपको भी पता है कि कैसे वीडियो बनेगा। तो इसीलिए बातें करते करते हम लोग अपना घर भी पहुँचिए। इसका कलर अभी भी शाइन कर रहा है भाई, मानना पड़ेगा। बाकी अपना गाड़ी इधर खड़ा है, अपना हार्ले उधर खड़ा है, अपना मतलब ओनर का और क्या, अभी आएंगे, एक रील भी बनाना, यहाँ पर शूट करना। वेल, आज के ये ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। होप कि आपको अच्छा लगे रहेगा इन लोग का शक्ल, और नहीं लगा भी तो गाली में इन लोग का बारे में। हाँ अच्छा लोग सब्सक्राइब कर दो तुम कुछ फोक कर इसका मुंह खोलेगा तो ऐसे ही निकलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन कीप। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत। माय नेम नहीं बोला, मेरा नाम बोलो ना। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता निर्वाचिंग डॉक्टर। सो हे एवरीवन, मेरा नाम अंकिता और आप देख रहे हो डॉक्टर थ्रोटल।